हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे पिक्चर एंड टेबल्स ऑप्शन इंसर्ट टैब में। तो सबसे पहले मैं टेबल को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ देखिए हम ऑलरेडी टेबल हमने डिज़ाइन की हुई है, तो डिज़ाइन मेन्यू खुल गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग ले लेते हैं। इस तरह से हम कोई भी इसको स्टाइल देंगे। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे हेडर रो, जो फर्स्ट रो है आपकी हेडिंग देने के लिए, उसको अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो आप क्लिक करें, अदरवाइज़ उसको हटा सकते हैं। यहाँ पे फिर से हेडर रो में क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरे हेडर रो आ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम इस तरह से बैंडेड रो। जो भी आप टोटल रो को हाईलाइट्स करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम को भी आप अगर हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो हाइलाइट्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगर आप यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करवाना चाहते हैं तो आप पिक्चर कॉलम पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पिक्चर ऐड हो गई है। अगर आप पिक्चर का कोई भी स्पेसिफिक एरिया रखना चाहते हैं तो आप उस एरिया को भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर करेंगे मार्क एरिया टू कीप, और इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। जो भी एरिया मुझे चाहिए वो उस पर मैं क्लिक करूँगी, मार्क कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्लस वाला सिंबल आ रहा है, तो जितना एरिया भी मैं मार्क कर रही हूँ वो एरिया मेरा टाइप हो जाएगा, शो होगा मुझे। आप इस तरह से बैकग्राउंड कर सकते हैं, जितना एरिया मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। कीप चेंजेस ओके। तो ये देखिए मैंने इतना ही एरिया चेंज किया था। जब मैं इमेज क्लिक कर रही हूँ तो इमेज का फॉर्मेट बार खुल गया है, यहाँ से मैं इसकी करेक्शंस कर सकती हूँ, पिक्चर्स की कलर दे सकती हूँ, इफ़ेक्ट्स दे सकती हूँ मैं पिक्चर के ऊपर, कंप्रेस कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ पिक्चर्स को। अभी मैं इसे चेंज नहीं करूँगी, यहाँ से आप ओके करेंगे तो पिक्चर चेंज हो जाएगी। यहाँ से हम पिक्चर का कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, देखिए फिर हम पिक्चर के ऊपर कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर दे सकते हैं, नीचे पिक्चर के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट्स, रिफ्लेक्शन, ग्लो, 3D इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, पिक्चर की लेआउट चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम सेलेक्ट अलाइन दे सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं पिक्चर्स को, क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर का कोई भी एरिया। ये देखिए यहाँ से ये मेरा एरिया क्रॉप हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे एरो को से ड्रैग कर रहे हैं, ये देखिए क्रॉप हो गया है। पिक्चर को क्लिक करने पे उसका फॉर्मेट बार खुलता है, यहाँ से मैं पिक्चर की हाइट और विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर क्रॉप एनी शेप। अगर आप किसी शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कंट्रोल जेड से मैंने अंडू किया था। अब इंसर्ट चलते हैं, क्लिप पार्ट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ टाइप करती हूँ, मैंने यहाँ ऑलरेडी कंप्यूटर टाइप किया हुआ था तो इसने कंप्यूटर के क्लिप पार्ट दिखा दिए हैं। क्लोज करते हैं, सेम जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो इमेज वाला ही फॉर्मेट बार खुल गया है, और यहाँ से देखिए सेम चीज़ अप्लाई होगी। नेक्स्ट आते हैं शेप्स के ऊपर, क्लिक करती हूँ शेप के पे, ये देखिए शेप पे क्लिक करते ही इसका फॉर्मेट बार खुल गया है। यहाँ से आप फॉर्म एडिट कर सकते हैं या न्यू शेप भी ले सकते हैं। देखिए एक हमने एरो शेप और ले ली है और उसका भी फॉर्मेट बार ओपन हो गया है। अब हम सेलेक्ट करते हैं शेप में एडिट करने के लिए। अगर आपको शेप में चेंजेस करना है
तो आप शेप में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी शेप में चेंज कर दिया। कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा तो उसका फॉर्मेट बार ओपन हो गया है। यहाँ से हम शेप फिल करेंगे, स्टाइल देंगे शेप्स का। ये बहुत से कलर्स अवेलेबल हैं, शेप्स को फिल करेंगे कलर्स के साथ। नीचे उसमें ग्रेडियंट पिक्चर्स एंड टेक्सचर हैं, वो भी लगा सकते हैं। इसकी आउटलाइन दे सकते हैं शेप की, एंड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं शेप के ऊपर, ग्लो दे सकते हैं। यहाँ से अगर हमने शेप में कुछ टाइप किया हुआ है तो वर्ड आर्ट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है शेप्स और मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, एंड यहाँ से मैं स्टाइल दे सकती हूँ वर्ड आर्ट स्टाइल से। सबसे पहले इसका कलर बड़ा करते हैं, साइज़ बड़ा करते हैं, एंड यहाँ से मैंने इसका स्टाइल दिया, एंड यहाँ से मैं टेक्स्ट फिल करती हूँ, कलर्स में आउटलाइन देती हूँ मैं, एंड सिलेक्शन पेन। यहाँ से हम अलाइनमेंट प्रॉपर्टी दे सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। जो पिक्चर के ऑप्शंस थे सभी सेम वही होंगे। यहाँ से हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट के लिए भी ये देखिए कितने टाइप के हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स। हम कोई भी स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन चूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने इस तरह से चूज़ किया है, यहाँ इसको नीचे वाले सेल पे लेके जा रही हूँ मैं। यहाँ से कोई और चेंज शेप करनी है तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने पर हम यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब इसके डिज़ाइन और फॉर्मेट दो टूल्स ओपन हो गए हैं। ऐड शेप, एक और शेप ऐड हो गई है नीचे, ये देखिए। यहाँ से फिर से मैं इसकी शेप चेंज कर रही हूँ। मान लीजिए मैं ये वाली शेप चूज़ कर रही हूँ स्मार्ट आर्ट के लिए। यहाँ हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मैं कुछ यहाँ वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट कुछ भी टाइप कर रही हूँ। यहाँ से हम चेंज करेंगे कलर, एंड आफ्टर दैट यहाँ से हम इसमें स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी शेप को आपने अप्लाई किया है उसमें चेंजेस हो जाएगा, ये टेक्स्ट के ऊपर चेंजेस होंगे। फिलहाल मैंने थर्ड नंबर वाली शेप सेलेक्ट किया हुआ है तो सभी चेंजेस उसी में ही हो रहे हैं पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन क्लिपिंग। अब जो एरिया मैं सेलेक्ट करूँगी वही मेरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। यहाँ देखिए यही स्क्रीनशॉट ऐड हो गया है देखिए, और जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो वही पिक्चर वाला फॉर्मेट ओपन हो गया है। आप इसके ऊपर चेंजेस कर सकते हैं, फॉर्मेट बार ओपन हो गया है देखिए। सेम ऑप्शन है जो हमने पहले इमेज के ऊपर फॉर्मेट बार किया था, वही फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो गया है। इस तरह से आप शेप्स को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं इंसर्ट चार्ट। कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, बहुत से हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल हैं, एंड अदर चार्ट्स में भी बहुत से ऑप्शंस हैं।
इस तरह से देखिए, स्ट्रोक, सरफेस, डाउहर्ट, बबल एंड रेडार। अभी हम कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे एंड टू डी, थ्री डी, सिलेंडर, कॉन, पैरामिड। तो हम 2D में ऑप्शन लेकर चल रहे हैं और यहाँ देखिए सेल्स एंड नीचे देखिए कॉलम्स में इसने रिया और प्रोडक्ट ले लिया एंड वाई एक्सिस में सेल्स की एंट्री डाल दी है। इस तरह से हम देखिए जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे मैंने रिया में प्रोडक्ट P1 की सेल चेंज किया है तो वही चार्ट के ऊपर भी अप्लाई हो गया है। डिज़ाइन, डिज़ाइन में चेंज चार्ट टाइप, यहाँ से हम मान लीजिए कॉलम से लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो चार्ट है वो लाइन में कन्वर्ट हो गया है। अब लाइन का फॉर्मेट बार आ गया है, फिर से चेंज करेंगे चार्ट लेआउट, यहाँ से स्टाइल चूज करते हैं हम। नेक्स्ट आता है चार्ट के लेआउट्स, हमने ये लेआउट चूज किया है जहाँ पर टाइटल है, हॉरिजेंटल एक्सेस है एंड वर्टिकल एक्सेस है चार्ट के ऊपर और इस तरह से हम लेआउट पे क्लिक किया। अगर आप चार्ट के ऊपर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो हम इस तरह से चार्ट के ऊपर पिक्चर लगाएंगे, अगर कोई लोगो है तो लोगो लगा सकते हैं। और पिक्चर का फॉर्मेट बार भी ओपन हो गया है अगर आप पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आता है कोई शेप ऐड करनी है तो आप शेप दे सकते हैं, कोई टेक्स्ट बार अगर आपने ओपन करना है तो टेक्स्ट बार ओपन कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट ऐड है जिसमें सेल्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है चार्ट का टाइटल, अबव चार्ट, तो चार्ट का टाइटल जो है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है जिसको हमने सेल्स दिया है, इसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक्सेस में हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक्सेस के टाइटल्स भी, क्योंकि हमने लेआउट चूज़ की थी, हमने लेआउट वही चूज़ की है, आप अलग से भी यहाँ पर दे सकते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सेस। लीजेंड भी दे सकते हैं आप, राइट साइड पे, टॉप, लेफ्ट। अभी हमने यहाँ पे राइट साइड पे दिया हुआ है सेल्स जो कि यहाँ मेंशन है, देखिए आप यहाँ पे और भी लीजेंड दे सकते हैं। एक्सिस एंड ग्रिड लाइंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग, अब हमने जो सेल्स एंड एक्सेस टाइटल्स दिए हैं उसको हम चेंजेस कर सकते हैं फॉर्मेट बार से। इस वीडियो में इतना ही, आप इसे प्रैक्टिकली रन कीजिए।